नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं यूपी 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। अमेरिका में मृतकों की संख्या 25,000 के पार, एक दिन में 2,129 लोगों की मौत। कोरोना वायरस के चलते चीन की अर्थव्यवस्था में 3 दशक में पहली बार गिरावट, AFP सर्वे। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की मदद रोकी, कोरोना वायरस के खतरे को कम कर आंकने का आरोप लगाया। दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या 1,20,000 के पार। प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछा सवाल, हर बार हर विपत्ति गरीब मजदूरों पर ही क्यों? मोदी जी, भगवान के लिए मदद कीजिए। चीन में फिर बढ़ रहे हैं कोविड-19 के मामले, विदेश से लौट रहे नागरिकों ने बढ़ाई चिंता। आयुष्मान खुराना ने पियानो बजाते हुए वीडियो किया पोस्ट, कहा हम सभी बाहर निकलकर कार्य करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी स्कूलों को ई लर्निंग शुरू करने के आदेश। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 102 नए मामले सामने आए, 660 कुल संक्रमित मरीजों की संख्या। लॉकडाउन में तैनात पुलिस कर्मी ने कहा, अब ड्यूटी पूरी करने के बाद ही अपने पहले बच्चे को देखूंगा। मुंबई के बांद्रा पर लोगों को इकट्ठा होने के लिए कथित तौर पर उकसाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। बक्सर में वीजा के गलत इस्तेमाल के आरोप में 11 तबलीगी जमातियों को भेजा गया जेल। मुख्यमंत्री योगी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने का किया स्वागत, कहा पूरी मजबूती से लागू करेंगे। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन 2 जमाती कोरोना पॉजिटिव निकले, बस्ती में संक्रमितों की संख्या 16। प्रयागराज में कोरोना मरीजों का इलाज करने वाली डॉक्टरों की टीम क्वारंटीन। प्रयागराज में जमातियों के साथ 196 क्वारंटीन लोगों को दी गई छुट्टी। मेरठ में 6 मरीज और मिले कोरोना पॉजिटिव, तेजी से बढ़ रही है मरीजों की संख्या। बिजनौर में 5 और जमाती मिले कोरोना पॉजिटिव, निजामुद्दीन मरकज के जलसे में शामिल हुए थे सभी। यूपी में पत्नी के प्रेमी को घर से बुलाकर मार डाला, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी में एमपी से डीसीएम में 41 लोगों को पुलिस ने उन्नाव में पकड़ा, जांच के बाद क्वारंटीन किए गए। कुशीनगर में लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने वालों पर हो सख्त कार्रवाई, मंडलायुक्त। मुजफ्फरनगर जिले में ठहरे श्रमिकों को घर भेजने की तैयारी। महोबा में दुकान खोलने पर 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज। हमीरपुर से बड़ी खबर, बाइक सवार गोवंश से टकराया, मौत। कोरोना संक्रमितों के मामले में दिल्ली देश में दूसरे स्थान पर रहा। आज की खास खबरों में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए यूपी 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।